गुड मॉर्निंग मन स्टैक के असाइनमेंट नंबर 2 का जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और इस वीडियो के अंदर जो है मैंने इससे पहले जो असाइनमेंट दिया था वो ये दिया था कि कन्वर्ट स्टैटिक एचटीएमएल टेम्पलेट इनटू रिएक्ट प्रोजेक्ट। एक लिंक मैंने आपको दिया था और उसका डाउनलोड लिंक भी मैंने आपको प्रोवाइड किया था, और उस लिंक को जब आप ओपन करेंगे तो आपका जो लाइव प्रोजेक्ट चल रहा है, बेसिकली जो टेम्पलेट हमें कन्वर्ट करना है, ये वो पूरी वेबसाइट है, और इस पूरी वेबसाइट का आप सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस वीडियोस के लिंक्स के माध्यम से। तो आज जो है मैं आपको ये रिएक्ट के अंदर पूरे इस स्टैटिक एचटीएमएल टेम्पलेट को रिएक्ट के अंदर मैं आपको कन्वर्ट करके बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने कन्वर्ट कर दिया है, तो थोड़ा सा मैं फंक्शनैलिटी बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से हम लास्ट में जब हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो हमें एक्चुअल में ये मिलेगा बेसिकली। तो आपका जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे तो वो किसी न किसी पोर्ट के, रिएक्ट के पोर्ट पे चलेगा, और उसके बाद आपकी जो नेविगेशंस हैं वो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये रिएक्ट राउटर डॉम की मदद से आप इसमें राउटिंग कर सकते हैं, रिएक्ट की राउटिंग कर सकते हैं। तो आप देखिए कि ये जो है, ये जब आप सोर्स कोड आप डाउनलोड कर किया होगा आपने, तो सोर्स कोड के अंदर जो है आपकी डिफरेंट डिफरेंट एचटीएमएल फाइल्स आपको मिली हुई होंगी। तो रिएक्ट के अंदर जो होता है बेसिकली पूरा प्रोजेक्ट सिंगल पेज के अंदर चलता है ना, सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने पूरा के पूरा इस प्रोजेक्ट को है रूट कंपोनेंट के अंदर लोड करवा रखा है। अगर मैं अबाउट अस को अगर लोड करवाऊं तो भी ये रूट के कंपोनेंट के अंदर लोड हुआ है, वर्क है, प्राइसिंग है, कॉन्टेक्ट्स हैं। तो चलिए अब जो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम है कि आप अपना एक ब्लैंक रिएक्ट प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर ले। तो मैं प्रोजेक्ट्स के अंदर गया और ऑलरेडी मैंने एक ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है HTML React 2 नाम से, और ये रिएक्ट ये आप क्रिएट कर सकते हैं NPX क्रिएट रिएक्ट ऐप, और प्रोजेक्ट के नेम के थ्रू आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता हूँ, आप जाके इसको कोड डॉट करके आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इसको स्टार्ट कर ले, और इस टर्मिनल को तो बंद ही कर दें आप। उसके बाद आप अपना टर्मिनल स्टार्ट करें और अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च करें। सो यहाँ पर मान लीजिए मैं इसको npm स्टार्ट करके इसको लॉन्च करता हूँ, तो एक ब्लैंक रिएक्ट का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा आपका। सो यहाँ पर ऑलरेडी ये बोल रहा है कि एक दूसरा प्रोजेक्ट रिएक्ट चल रहा है, तो मैंने बोला इसको नो। इसने 3000 पे पहले से कोई सर्वर चल रहा था तो उसने 3001 असाइन कर दिया है, कोई बात नहीं, इसमें एक नया रिएक्ट का प्रोजेक्ट आपका लॉन्च हो जाएगा बिल्कुल ब्लैंक। ये आपका रिएक्ट का डिफॉल्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। अब सबसे पहले काम है आपका विजुअल स्टूडियो कोड में जाके आप अपने पब्लिक फोल्डर में आप जाना, और आप ये देखिए इसका फोल्डर स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है आपकी index.html। चूंकि रिएक्ट एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है तो एक ही पेज फर्स्ट टाइम सर्व होता है और उसी पेज के अंदर डायनेमिकली जो है कोड लोड होते रहता है, तो ये वो हमारा कोड है। सो ये हमारा index.html है। आपने जब टेम्पलेट डाउनलोड किया होगा तो आपको एक जिप मिली होगी, उस जिप को आप राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट आपको करना है, एक्सट्रैक्ट हियर आप करिएगा। एक्सट्रैक्ट हियर करने के बाद आपको जो है पूरे जो फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। जनरली इसके अंदर आपको एक असेट्स नाम का फोल्डर मिल रहा है, तो जितनी भी इस HTML फाइल के अंदर हमारी CSS फॉन्ट्स इमेजेस और जावास्क्रिप्ट यूज की गई हैं, ये हमारे असेट्स फोल्डर के अंदर अवेलेबल है। असेट्स फोल्डर को आप कॉपी कर लेना, ये कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से, और आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाओ। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है HTML2 React 2, है ना। इसके अंदर जाके आपको पब्लिक फोल्डर के अंदर आप पेस्ट कर दीजिएगा इस पूरे असेट्स फोल्डर को, ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद आप अपना जो है आप अपना टेम्पलेट है, फर्स्ट टेम्पलेट आपका index.html है, इसको आप ओपन कीजिएगा। तो मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ नोटपैड प्लस प्लस के अंदर, आप किसी के भी अंदर ओपन कर सकते हैं। अब आपको जो है यहाँ पर कुछ HTML के कमेंट्स हैं, ये आप हटा देना ताकि कोड थोड़ा नीट एंड क्लीन हो सके। उसके बाद आप देखिएगा आप अपने विजुअल कोड के अंदर जाइए, और आपके पास भी एक index.html फाइल है और यहाँ पर भी index.html फाइल है, तो हेड के अंदर जितना भी कोड आपकी प्रोजेक्ट का कोड है इसको कॉपी कर लेना, और इस वाले कोड को इस हेड के अंदर ये जितना भी है इसको आप रिप्लेस मार देना। सो ये मैंने यहाँ से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो मेरा हेड टैग जो है वो सेम टू सेम हो गया है। उसके बाद जो है आपको उसके बाद आपका बॉडी टैग
हम देखते हैं तो बॉडी टैग, ये देखिए यहाँ पर बॉडी टैग आ रहा है, ये कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, इस कमेंट्स को मैंने यहाँ पर हटा दिया। अब आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे पेजेस हैं जो कि कॉमन है और उन पेजेस के कौन कौन से सेक्शन जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो उसके लिए मैं दो पेजेस को जो है यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। एक तो मैं ये ले लेता हूँ और एक ले लेता हूँ मैं अबाउट अस। तो आप देखिए हेडर सेक्शन मेरा कॉमन है और फुटर सेक्शन भी मेरा कॉमन है बेसिकली। तो ये हमारे बेसिकली ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो यहां जाने के बाद ठीक है, ये आपका कोड हो गया है बेसिकली। अब हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी वेबसाइट हमारे रूट कंपोनेंट के अंदर इंजेक्ट हो जाए। तो सबसे पहला काम है कि आप अपना जो फर्स्ट कंपोनेंट आपको बनाना है, तो मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट कंपोनेंट जो है ऐप डॉट जे एस है, जो कि डिफॉल्ट रहता है। इसमें से मैं इस पूरे हेडर को यहां से हटा देता हूँ। इस हेडर को हटाया, सेव किया, और हेडर को भी छोड़ो, आप सारे कोड को हटा देते हैं। बट ये ध्यान रखना है कि जब आप रिटर्न करोगे उन सब कोड का एक पेरेंट कोड कोई ना कोई आपका होना चाहिए बेसिकली। तो मैं यहाँ से इसको ये भी हटा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने हटाया, या इसको मैं रख देता हूँ। और यहाँ से वो पूरा के पूरा जो हमारा कोड है वो आप यहाँ पर पेस्ट करो। सो कहाँ से कहाँ तक ये कोड आ रहा है तो ये हम देख लेते हैं। ये मैंने कोड लिया, ये मैंने कोड लिया, और ये पूरा कोड जो है यहां तक का ये कोड जो है आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। मगर ये जावास्क्रिप्ट का कोड मैं नहीं ले रहा हूँ, ये आगे मैं आपको लेके बता दूंगा। अभी मैं सिर्फ इस फुटर तक मैं आपको लेके बताता हूँ। ये फुटर का कोड हमने लिया और यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम इसके अंदर, इस एलिमेंट के अंदर आप जो है रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट आप यूज कर ले, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, और यहाँ पर भी मैं रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट यूज कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं पूरा कोड पेस्ट कर देता हूँ। पूरा कोड पेस्ट करने के बाद आप देखिए कि यहाँ जो ये हमारा नेव बार है, इसमें जगह जगह रेड कलर दिखाई दे रहा है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है, तो हमें वन बाय वन सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसको रिएक्ट कंपोनेंट मिला नहीं है, तो कंट्रोल स्पेस करके ये रिएक्ट मैंने यहाँ से इंपोर्ट करवा लिया। सीएसएस में इसकी जरूरत नहीं है, लोगों की इसकी जरूरत नहीं है, तो यहाँ से मैं इसको हटा दूँ। और आप वन बाय वन इस कोड को रन करके देखिए। अब आपको ये ध्यान देना है कि ऐप डॉट जेएस के अंदर जो आपने किया है, तो जैसे ही आप रन करेंगे तो एक एक एरर को आपको देखते हुए चलना है। लाइन नंबर 6 पे प्रॉब्लम आ रही है, तो लाइन नंबर 6 ये है। तो ये जो एचटीएमएल कमेंट है इसको हमें रिएक्ट कमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो दो तरीके हैं, या तो इस कमेंट को पूरा से पूरा आप क्या कर दो, हटा दो, या फिर इसको एचटीएमएल कमेंट से आप किस में कन्वर्ट कर दें, रिएक्ट कमेंट में कर दें। तो रिएक्ट कमेंट में कन्वर्ट करने के लिए मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। उस कमेंट को आप सिलेक्ट करें और अल्ट शिफ्ट और ए प्रेस करें। अल्ट शिफ्ट ए से क्या होगा कि वो रिएक्ट कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पूरे सोर्स कोड में जहां जहां पे भी ये कमेंट दिख रहा है आपको ये क्लिक कर देना है। सो मैं इस पे गया, अल्ट शिफ्ट ए, अल्ट शिफ्ट ए, और आप देखिए पूरे सोर्स कोड में कहां पर आ रहा है। इस पूरे कोड को मैंने अल्ट शिफ्ट ए किया, अल्ट शिफ्ट ए, यहां पर एक आ रहा है अल्ट शिफ्ट ए, ये अल्ट शिफ्ट ए, अल्ट शिफ्ट ए। और जैसे जैसे आप भी कमेंट करते चलेंगे ना, तो रिएक्ट रीस्टार्ट होते जाएगा और लाइन नंबर बढ़ते चलेंगे, एरर के लाइन नंबर बढ़ते चलेंगे। जैसे अभी लाइन नंबर 52 आ रहा है, तो 52 या वो आगे देखते हैं। पहले तो अपन कमेंट को सही कर लेते हैं। तो कमेंट्स को, सारे कमेंट्स को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ वन बाय वन। सो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। इन कमेंट्स को आप जो है एचटीएमएल कमेंट्स में आप कन्वर्ट कर दें। किया यहाँ से मैंने किया, इनको एचटीएमएल कमेंट में किया, ये ज्यादा इंटर हो गया है यहाँ पर। तो
ठीक है, ऑलमोस्ट हो गया है। अब देखते हैं कहाँ दिक्कत आ रही है। लाइन नंबर 52 पर अगेन दिक्कत आ रही है, तो लाइन नंबर 52 पे जाके वन बाय वन सॉल्व करते हैं। लाइन नंबर 52 पे इसको क्या दिक्कत आ रही है, लाइन नंबर 52 पे ये कमेंट रह गया था, ठीक है, इसको भी मैंने हटा दिया। अब बी आर टैग है ना, 67 पे प्रॉब्लम है। सो 67 पर मैं गया, 67 पर जो है ये बी आर टैग आ रही है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिएक्ट के अंदर अगर आप काम कर रहे हो, तो रिएक्ट जो है इंटरनल एक्सएमएल को यूज करता है, और एक्सएमएल में एक स्ट्रिक्ट रूल होता है कि हर एचटीएमएल जो भी टैग आप यूज कर रहे हो उसका क्लोजिंग टैग होना जरूरी है। तो बी आर में आप सेल्फ क्लोज उसको कर दे। सो ये मैं इसको सेल्फ क्लोज कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने सेल्फ क्लोज किया तो देखो एरर लाइन नंबर 52 से 168 पे चली गई। सो 168 पर आप देखिए फिर क्या दिक्कत है। सो आपको आगे जाना है, 168 पर आपको देखना है कि एक कमेंट में भूल गया था, सो मैंने इसको कमेंट किया। अब देखिए कि लाइन आगे पहुंच गई IMG टैग पे, 178 पर लाइन पहुंच गई, और 178 पर जो है आप देखिए 178 पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर 178 से पहले कहीं ना कहीं आपने IMG टैग यूज किया हुआ है, और IMG टैग में हमें पता है कि एक सिंगुलर टैग है, मगर हम रिएक्ट के अंदर काम कर रहे हैं तो सेल्फ क्लोज करना जरूरी है, एक बैकस्लैश आपको लगा देना। तो उसी तरीके से अभी फटाफट मैं इमेजेस टैग ढूंढ लेता हूँ, एक इमेज टैग ये रहा, दूसरा ये रहा, तो मैं यहाँ पर फटाफट जो है सेल्फ टैग यूज कर लेता हूँ। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग, ये यहाँ पर मैंने सेल्फ क्लोजिंग टैग फटाफट ढूंढ के जो है सेल्फ क्लोजिंग टैग हम यहाँ पर दे देते हैं। ये एक और मैंने किया है ना, ये यहाँ पर मैंने सेल्फ क्लोज किया, उसके बाद यहाँ पर मैंने सेल्फ क्लोज किया, उसके बाद ये सेल्फ क्लोज किया हमने। तो सेल्फ क्लोजिंग करना जरूरी है। सेव किया, आउटपुट देखें, और यहाँ पर ही आपको ध्यान रखना है कि अब ये 318 लाइन पर बोल रहा है। तो अब 318 लाइन पर हम गए, ये देखो 318, मगर यहाँ पर तो कोई IMG टैग नहीं है, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली इससे पहले कहीं पर मिल जाएगा, और ये रहा। सो यहाँ पर आप गए, ये सेल्फ क्लोज किया, सेल्फ क्लोज आपको करना है, सेल्फ क्लोज करना है, सेल्फ क्लोज करना है ना, और यहाँ पर सेल्फ क्लोज करना है, सेल्फ क्लोज करना है, और सेव किया, आउटपुट देखा, और अगेन ये बोल रहा है कि H3 पर कोई प्रॉब्लम है 437 लाइन पर। सो 437 लाइन पर हम गए और H3 पर प्रॉब्लम है। तो देखो H3 से स्टार्ट किया गया है और क्लोजिंग किससे कर रहे हैं, H2 से कर रहे हैं, जो कि गलत है। ये जो टेम्पलेट जिसने बनाया है कहीं ना कहीं एक एरर रह गई है। तो H3 से स्टार्ट किया है तो H3 से खत्म करेंगे। अब 449 पर LI का कोई प्रॉब्लम है, तो ठीक है 449 पर हम गए, 449 पर हम गए और LI का कोई प्रॉब्लम है। तो ये देखो LI का स्टार्ट है, LI का क्लोज है, LI का स्टार्ट है, और ये देखो I का स्टार्ट है, I का क्लोज है, और ये एक I टैग एडिशनल आ गया है, तो इसको मैंने रिमूव कर दिया। तो ये देखिए I का स्टार्ट, I का क्लोज, एंकर का स्टार्ट, एंकर का क्लोज, और बीच में एक I का क्लोज एक्स्ट्रा आ गया था, इसकी वजह से वो LI की जगह पर प्रॉब्लम बता रहा है। तो जहां पे भी आपको लगे कि वो एरर उस जगह बता रहा है, तो उसकी उसके आसपास कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। मोस्ट प्रोबेबली आप उसका सेल्फ क्लोजिंग टैग देखो कि है कि नहीं है। अब ये बोल रहा है कि 516 नंबर पे रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, 516 रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट में कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे ये लग रहा है कि डिव थोड़ा एडिशनल आ गया है, तो आप इस डिव को आप हटाना, और जैसे ही आप इस डिव को हटाओगे तो आपका जो है इसको रिफ्रेश आप कर लेना। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया और आई थिंक जो है आपकी रिएक्ट के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट आ गया है, मगर अभी कंपोनेंट हमने अलग अलग नहीं किया, अभी पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक का कोड आ गया है रिएक्ट के अंदर चालू। अब हमारा दूसरा मकसद ये है कि इनके अलग अलग कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना और उनको अलग अलग करना बेसिकली। तो सबसे पहला कंपोनेंट तो हो गया हेडर, और दूसरा कंपोनेंट हो गया फुटर। तो हेडर और फुटर को अलग अलग करते हैं, और बीच वाला एरिया जो है हमारे वो पर्टिकुलर पेजेस वाइज हो जाएगा, ठीक है। सो यहां पर हमने देखा कि जो हेडर का जो फुटर का कंपोनेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम कुछ कंपोनेंट्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर यहाँ SRC के अंदर गए और यहाँ पर एक फोल्डर बनाया मैंने, मान लीजिए यहाँ पर पेजेस नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया, पेजेस नाम से एक फोल्डर बनाया, और उस पेजेस के अंदर सबसे पहला पेज मैं बनाता हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ फोल्डर मत बनाना, ठीक है, डायरेक्टली फाइल बनाना। तो सबसे पहला फाइल हमें बनानी है कौन सी, home.js। तो home.js के अंदर हमें एक कंपोनेंट यूज करना है, और मोस्ट प्रोबेबली अभी हम फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू यूज करेंगे। मैंने प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, मैं RFC लिखूंगा और
यहाँ पर आप इंटर कर देना। जैसे आप इंटर करोगे ये आ जाएगा, और जिस नाम से आपने फाइल बनाई है, फाइल हमेशा केमल केस में बनाना है, सो यहाँ पर मैं उसी नाम से, जिस नाम से फाइल का नाम है उसी नाम से मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है। और जो है यहाँ पर होम कंपोनेंट है बेसिकली, सो ये हमारा होम कंपोनेंट हुआ। और इस होम कंपोनेंट के अंदर जो है हमें जो है अपना लेआउट्स बनाने पड़ेंगे। सो आप एक लेआउट आप बना सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ से इस पूरे कोड को मैं यहाँ से अगर कट कर दूँ, ये देखिए ये रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट को, ये यहाँ से मैं पूरे को अगर कट कर दूँ, या होम कंपोनेंट के अंदर जो है मैं यहाँ पर एक लेआउट कंपोनेंट ले लेता हूँ, ये आपको और बेसिक से मैं आपको बताऊं, ये होम तो मैंने कर दिया, इस नेव को मैं अलग करके बताता हूँ। सो ये नेव को लिया मैंने, नेव का स्टार्ट, नेव का क्लोज, ठीक है। और ये इस नेव को लिया, कमेंट को भी ले लेते हैं, ठीक है। ये नेव हमारा क्या है, हमारा हेडर है, ठीक है ना। सो इस नेव को मैंने यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, और मैं जाऊंगा src फोल्डर के अंदर, एक फोल्डर बना लूंगा मेरा, और उसको मैंने दे दिया कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स में कौन सा कंपोनेंट है, ये हमारा हेडर कंपोनेंट है। सो हेडर डॉट js किया मैंने, और मैं rfc किया मैंने, रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, और यहाँ से मैंने इसको दे दिया हेडर, हेडर दे दिया, और पूरे के पूरे कोड को यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ये जो कमेंट्स हैं ये दिक्कत देंगे, तो इस कमेंट्स को आप यहाँ से हटा देना। जैसे मैंने यहाँ से कमेंट को हटाया, सेव करेंगे, और ये मैंने हेडर एक्सट्रैक्ट कर दिया, वापस से आप अपने होम पे जाना, और जहाँ से आपने हेडर हटाया, हेडर का कोड वापस से वहीं लाना पड़ेगा। अब बेटर है कि वो कंपोनेंट को मैं इम्पोर्ट करवा लूँ। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हेडर कंपोनेंट को मैं इम्पोर्ट करवा लूंगा। सो यहाँ हेडर कंपोनेंट को आप इम्पोर्ट करवा लेना। सो मैं यहाँ से इम्पोर्ट करवा लेता हूँ हेडर कंपोनेंट को फ्रॉम कंपोनेंट्स के अंदर हेडर कंपोनेंट्स, और इस हेडर कंपोनेंट को मैं कहां पर इंजेक्ट करवा दूं, यहां पर इंजेक्ट करवा देता हूं। ठीक है, सेव किया, बाकी एज इट इज रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो रिफ्रेश करते ही वापस हमारा हेडर भी आ गया। तो सिमिलरली क्या जिस तरीके से मैंने हेडर को अलग किया, इसी कोड में से क्या फुटर को अलग नहीं कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हैं। तो फुटर का कोड पर मैं गया, ये कमेंट दिक्कत देगा, इसलिए कमेंट यहाँ से मैं अभी हटा देता हूँ। ये फुटर का कोड, फुटर का क्लोज और फुटर का स्टार्ट, ये फुटर का स्टार्ट, ठीक है, ये लिया मैंने, और यहीं पे मुझे फुटर लाना पड़ेगा। तो मैं कंपोनेंट के अंदर गया और एक फाइल बनाई, किस नाम से, फुटर डॉट जेएस, और आरएफसी लिखा मैंने, रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, इंटर किया, ये फुटर लिया मैंने, और इस फुटर के कोड को मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ध्यान ये रखना है कि जब भी आप पेस्ट करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि पहला एलिमेंट जो होना चाहिए वो एक सिंगल होना चाहिए, उसके अंदर आपके एलिमेंट होने चाहिए। अगर नहीं है तो रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट करके आप यूज कर सकते हो। ये किया मैंने, उसके बाद इस फुटर कंपोनेंट को मैं इंपोर्ट करवा लेता हूँ यहाँ, यहीं से। सो ऊपर ऊपर गए यहाँ पर, और जिस तरीके से मैंने हेडर इंपोर्ट करवाया था उसी तरीके से मैं क्या करवा सकता हूँ, फुटर इंपोर्ट करवा सकते हैं। फुटर फ्रॉम ये कंपोनेंट स्लैश फुटर, ये मैंने किया, और फुटर वाले को मैं इंजेक्ट कर देता हूँ लास्ट ही लास्ट में। सो ये रिएक्ट फ्रेगमेंट की जगह यहाँ पर मैं फुटर लिया मैंने, और ये फुटर मैंने किया, सेव किया, आउटपुट देखा, रिफ्रेश करेंगे, देखो ये आ रहा है। अब कैसे प्रूफ करें कि हाँ ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप जाके अपने हेडर कंपोनेंट को हटा के देखो। जैसे मैं हेडर कंपोनेंट को हटाऊंगा, सेव करूंगा, तो देखो मेरा हेडर गायब हो जाएगा। अगर ये नहीं हो रहा है तो एक बार रिफ्रेश कर लेना, ये देखो हेडर कंपोनेंट हमारा गायब हो गया। इसका मतलब सक्सेसफुली हमने कोड को जो है अलग कर दिया है। अब जो है आपका जो है बेसिकली आपका होम कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो ये जो पार्ट है, ये जो बीच वाला हेडर और फुटर के बीच में जो बच रहा है, ये जितना भी कोड है ये आपका एक्चुअल में किस कंपोनेंट में जाएगा, पेजेस कंपोनेंट के अंदर चले जाएगा। सो इस कोड को भी मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ। तो आई थिंक ये पैरेलल कोड खूब सारा है, ये सेक्शन तक कट किया, एडिशनल कुछ कमेंट वमेंट दिख रहे हैं इनको मैं हटा देता हूँ,
थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, होम पर गए और होम पर ये आ रहा है पूरा, ठीक है। और मुझे पता है कि पैरेलल में दो एलिमेंट जा रहे हैं, तो आप रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट यूज कर लेते हैं। यहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट यूज कर लेते हैं। रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट मैंने यूज किया और यहां पर भी मैंने रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट यूज किया, और इसके अंदर वो पूरा का पूरा कोड मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आप हो सके तो आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेना, तो प्रॉपरली फॉर्मेट हो जाएगा। ये हो गया, तो रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट यूज कर रहे हैं, तो पैरेलल में दो एलिमेंट्स जो हैं पैरेलल में, जैसे यहाँ पर आप देखें डी और सेक्शन दोनों पैरेलल में है, वो पैरेलल में रिटर्न नहीं हो सकता है। या तो किसी एक पेरेंट कंटेनर में करके रिटर्न करो, या पैरेलल में रिटर्न करना है तो रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट के थ्रू आप रिटर्न कर सकते हो। तो ये होम कंपोनेंट हुआ, यहाँ पर जाने के बाद आप होम को ले लो बीच में, यहाँ पर ये जैसे मैं अब ले लेता हूँ इसको, ये लिया मैंने और ये लिया मैंने, और यहाँ से मैं इसको होम कंपोनेंट को मैंने इंजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। सेव किया, आउटपुट देखा और रिफ्रेश किया तो देखो ये आ गया। अगर मैं ये कंपोनेंट को यहाँ से हटा दूँ तो हेडर आएगा, फुटर आएगा, मगर मेन सेक्शन नहीं आएगा। तो मेन सेक्शन को ये इस तरीके से मैंने अलग कर लिया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिकली। तो अब उसके बाद हमें ये करना है कि रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट जो हम ले रहे हैं, तो बेसिकली आप एक लेआउट कंपोनेंट ले लो। सो यहाँ पर मैं एक लेआउट कंपोनेंट ले लेता हूँ, सो उसके अंदर रख लेते हैं इन दोनों को। सो लेआउट कंपोनेंट लिया मैंने, लेआउट लेआउट डॉट जेएस मैंने किया, और अगेन मैंने आरएफसी किया, आरएफसी किया, और यहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ लेआउट, ठीक है। जो फाइल का नाम हो के वही क्लास का नाम होना चाहिए या फंक्शनल कंपोनेंट का नाम है, तो मैंने लेआउट डॉट जेस किया। अब इसके अंदर जो है आपको क्या यूज करना है, लेआउट के अंदर आपको क्या यूज करना है, सबसे पहला तो है आप जो है रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट यूज करें, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, और यहाँ पर भी आप रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट यूज कर सकते हैं। सो रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, और इसके अंदर जो है आप सबसे पहला कंपोनेंट आप कौन सा यूज करेंगे, हेडर यूज करेंगे। सो हेडर यूज किया, फिर उसके बाद कंपोनेंट कौन सा यूज करेंगे, फुटर कंपोनेंट यूज करेंगे। सो फुटर कंपोनेंट यूज किया, और इन दोनों के बीच में जो आ रहा है मेरे, ठीक है, तो ये आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। सो जो भी एलिमेंट यहाँ से मैं सप्लाई करूंगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ये लेआउट मेरा कंपोनेंट है। अब देखना इसी टास्क को मैं यहाँ पर कैसे कर सकता हूँ। अब यहाँ पर ये अलग अलग न करने की बजाय अब मुझे सिर्फ किसको करना है, लेआउट को करना है। यहाँ पर मैंने लिया लेआउट, ठीक है, और इस लेआउट के अंदर सिर्फ किसको पास करना है, होम को पास करना है। यहाँ पर मैंने होम को पास कर दिया, तो आई थिंक वही काम हमारा वापस से हो गया। ये देखो ये हो गया ना, अब सिंपल हो गया है कि लेआउट कंपोनेंट के अंदर होम कंपोनेंट पास कर दिया। और जैसे ही लेआउट के अंदर अब मैं जाऊंगा तो लेआउट के अंदर मुझे क्या मिलेगा, हेडर फुटर और बीच में प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। तो प्रॉप्स क्या है, ये मेरे आर्ग्यूमेंट है जो कि मैंने यहाँ पर पास किए हुए हैं। इन दोनों के स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में जो भी पास करोगे वो एज आर्ग्यूमेंट बन जाएगा उस कंपोनेंट के लिए। सो लेआउट कंपोनेंट के लिए होम क्या है, एक आर्ग्यूमेंट है, प्रॉप्स की तरह ये वर्क करेगा। सो ये आपने ये इसको कर लिया, सेपरेट कर लिया, ठीक है। सेपरेट करने के बाद अब ये पेज तो डन है, अब आपको दूसरा पेज बता देता हूँ अबाउट अस। तो अबाउट अस को ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। तो सो यहाँ पर अबाउट अस को मैंने ओपन किया। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या देखना है, हेडर हमें लेना नहीं है, है ना, और ये सेक्शंस और ये हमें लेना है। सो ये कमेंट में, ये कमेंट से लेके फुटर के क्लोजिंग तक। अच्छा, इसमें ये भी ध्यान रखना है कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर जो फुटर के क्लोजिंग के बाद जितना भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है बॉडी के क्लोजिंग तक, वो पूरा का पूरा कॉपी करना है, और वो आपको किसके अंदर लिखना पड़ेगा, फुटर डॉट जे एस के अंदर लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पर ये फुटर डॉट जे एस के अंदर ये एलिमेंट आपने यहाँ पर लिखना है। सो ये आपने लिखा और अगेन एरर आएगी, तो यहाँ पर ये इसको जो है यहाँ पर इसको
अभी मैं इसको अंडू कर रहा हूँ, अभी के लिए छोड़ देते हैं इसको, और अभी इसको देखते हैं अबाउट को। तो यहाँ पर सेक्शन के कमेंट से लेके फुटर के स्टार्टिंग तक का जो कोड है, ये फुटर के स्टार्टिंग तक का जो कोड है, ये कोड मैं बनाऊंगा किसके अंदर, पेजेस के अंदर एक और पेज बनाऊंगा किस नाम से, अबाउट अस डॉट जेएस, और ये हमारा रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट हुआ। इंटर किया और यहाँ पर मैंने लिखा अबाउट अस, ये लिखा, और यहाँ पर अगेन रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट यूज करना पड़ेगा क्योंकि पैरेलल में दो एलिमेंट रिटर्न नहीं कर सकते हैं। रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट आपने यूज किया, और अगेन यहाँ पर मैंने रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट यूज किया, और यहाँ पर जो है आप अपना पूरा कोड पेस्ट कर दें, और कोड पेस्ट करने के बाद अगेन एरर्स आएंगी बहुत सारी, तो आपको वन बाय वन सॉल्व करना पड़ेगा। सो ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ये सॉल्व करते हैं फटाफट। इनको कमेंट्स को आप कमेंट करें, एचटीएमएल का रिएक्ट कमेंट करना है आपको, सिलेक्ट करें कंट्रोल शिफ्ट ए, कंट्रोल शिफ्ट ए, कंट्रोल शिफ्ट ए, कंट्रोल शिफ्ट ए, कंट्रोल ठीक है, सेव किया। और अब हमें देखना है कि अब एक्चुअल में टेस्टिंग करना है, अब टेस्टिंग करना है तो आपका अभी तो कौन सा पेज लोड है, होम पेज लोड है, तो अब होम पेज की बजाय हम किसको लोड करवाएंगे, अबाउट अस को। सो अबाउट अबाउट अस का स्टार्ट, अबाउट अस का क्लोज, ठीक है, और इस कंपोनेंट को मैं जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो यहां से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, पुराने वाले को रिमूव नहीं करते क्योंकि वो भी हमें बहुत जल्दी जरूरत पड़ेंगे, तो इसलिए यहाँ से मैं इसको इंपोर्ट करवा लेता हूँ, डॉट स्लैश पेजेस स्लैश अबाउट अस। सो ये अबाउट अस, तो अब जो आउटपुट देखते समय अब आउटपुट हमें किसका दिख रहा है, अबाउट अस का दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें वन बाय वन एरर्स पता चलेंगे कि भाई आईएमजी का क्लोजिंग नहीं है, तो अबाउट अस में गए और लाइन नंबर ढूंढा फटाफट, 23 23 पर गए, और 23 पर कहीं ना कहीं आईएमजी टैग होगा। सो ये रहा हमारा आईएमजी टैग, इसको सेल्फ क्लोज किया, आगे बढ़े, और ये रहे हमारे जो टैग्स हैं, ठीक है, सेव किया, और फिर से गए 156 पर, फटाफट आप चले जाना 156 पर, कहाँ दिक्कत है। सो 156 ये रहा, 156 पर, और भी कहीं हो सकता है क्या, आईएमजी टैग, और सेव करा। अब ये इनपुट टैग बोल रहा है ना, इनपुट टैग 219 नंबर पर, 219 पर गए, ये यहाँ पर इनपुट टैग है, हाँ इनपुट का भी क्लोजिंग करना जरूरी है। सो ये क्लोज टैग यहाँ पर हमने दिया, और अब बोल रहा है कि जेएसएक्स क्लोजिंग टैग रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट। सो रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट की जगह पर कोई प्रॉब्लम है, सो मुझे लग रहा है कि ये एक सेक्शन जो है ना ये एडिशनल है। तो जैसे ही सेव करोगे तो आई थिंक रिफ्रेश कर लेना लास्ट टाइम में, तो आपका जो है आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि स्टाइलिंग में कोई प्रॉब्लम है ना, तो कहीं ना कहीं इनलाइन स्टाइलिंग इस वाले पेज पर यूज की गई है, इतने वाले कोड के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, स्टाइल इक्वल टू को यहाँ कॉपी कर लेना और इसमें फाइंड कर लेना कंट्रोल एफ से। तो जैसे ही मैं स्टाइल इक्वल टू करूंगा तो ये पता चल जाएगा, रिएक्ट जो है वो इनलाइन स्टाइल को समझ नहीं पा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा पैटर्न जो इन्होंने समझा रखा है कि आप जो भी प्रॉपर्टी लिख रहे हो वो डबल कर्ली ब्रेसेस में लिखना है। सो इक्वल टू के बाद इस कोट को हटाना है और कोट की जगह क्या यूज करना है, डबल कर्ली ब्रेसेस यूज करना है, ये पहला काम आपको करना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि जो जो डबल कर्ली ब्रेसेस के बाद जो भी वैल्यू है उसको आप स्ट्रिंग में लिख देना, जैसे 66% है ना, तो इसको मैं किस में लिखूंगा, स्ट्रिंग में लिखना है। ये सेव किया और रिफ्रेश किया, अब ये फिर से बोल रहा है कि फिर कोई दिक्कत है, तो हम क्या करते हैं स्टाइल इक्वल टू ढूंढ लेते हैं पूरे पेज में कहां पर आ रहा है, एक यहां पर आ रहा है तो यहां पर भी मैं डबल कर्ली ब्रेसेस करूंगा। तो जब एचटीएमएल पे करते हैं तब तो वो इनलाइन स्टाइलिंग ऐसे लिखते हैं, मगर जब रिएक्ट में आएगा ना तब आपको ये डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको करना पड़ेगा। अब ये 90 को जो है मैं यहाँ सिंगल स्ट्रिंग में लिख देता हूँ, और स्टाइल इक्वल टू फिर सर्च किया, फिर एक आध जगह ये मिलेगा तो ये यहाँ पर इसको फटाफट ठीक कर देते हैं।
सो यहाँ पर मैं गया, सिंगल कोटेशन में दिया, मैंने सेव किया, आउटपुट में गए और रिफ्रेश किया और ये आ गया। देखो हेडर परफेक्ट आ रहा है, फुटर परफेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। सो हेडर और फुटर जो है वो हमारे परफेक्ट हो गए हैं। अब जो है इनको क्लोज किया, क्लोज किया, क्लोज किया, क्लोज किया। अब यहां से हमें देखना है कि दो पेजेस मेरे बन गए हैं। अब इन दोनों पेजेस में हमें नेविगेट करना पड़ेगा, तो नेविगेशन के लिए रिएक्ट के अंदर एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए स्पेशली एक राउटर है जिसे रिएक्ट राउटर डॉम कहते हैं। ये लाइब्रेरी है बेसिकली, ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर मैं क्या है नया नया टर्मिनल स्टार्ट कर लेता हूँ। मुझे राउटिंग करना है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, कंपोनेंट इंजेक्ट करवाने हैं, तो रिएक्ट के अंदर बिल्ट इन रिएक्ट राउटर डॉम करके एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। दो पेजेस हमारे बन चुके हैं, होम और अबाउट अस, तो ये लाइब्रेरी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। सो यहाँ पर एनपीएम, हमने एनपीएम इंस्टॉल किया, एनपीएम इंस्टॉल रिएक्ट राउटर और डॉम लिखा मैंने। उसके बाद डैश डैश सेव करके आपकी इसकी डिपेंडेंसी पैकेट डॉट जेसन में आप इसकी एंट्री करवा लेना। ये जैसे ही इंस्टॉल होगा तो आपका जो फर्स्ट कंपोनेंट है बेसिकली ऐप कंपोनेंट, उसके अंदर इसको इंपोर्ट करवाना है। तो ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट ऐप कंपोनेंट ही है, फर्स्ट फाइल तो हमारी इंडेक्स डॉट जेएस है। उसके बाद जो कंपोनेंट इंजेक्ट हो रहा है वो ऐप हो रहा है, तो ऐप के अंदर हम क्या करेंगे रिएक्ट राउटर को जो है इंपोर्ट करवा लेंगे। तो चलिए हम इंपोर्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले इंपोर्ट करवाया हमने और ये नेम्ड इंपोर्ट होंगे, और यहाँ से हमें कहाँ से इंपोर्ट करवाने पड़ेंगे, हमें रिएक्ट राउटर डॉम से करवाने हैं। क्या क्या इंपोर्ट करवाना है, सबसे पहला जो हमें इंपोर्ट करवाना है वो ब्राउजर राउटर इंपोर्ट करवाना है। उसके बाद हमें क्या इंपोर्ट करवाना है, राउट इंपोर्ट करवाना है। ये ब्राउजर राउटर को हम दूसरे नाम से इसको बोल देते हैं, इसको राउटर बोल देते हैं, ठीक है ना। इसको मैंने एलियास दे के रीनेम कर दिया। अब जाके मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि ये मैं यहाँ से इसको हटा सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ से इसको हटाया और मैंने इसको कहा कि मैंने यहाँ से इसको हटाया और यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, इसको मैंने दे दिया राउटर राउटर। और राउटर के अंदर मेरे कितने पेज हैं अभी तक, मेरे दो ही पेज हैं। सो मैंने यहाँ पर दिया राउट, ठीक है ना, राउट, और दूसरा मैंने राउट दे दिया यहाँ पर। अब इसके अंदर दो पेजेस आते हैं, दो पेजेस आ गए। अब सबसे पहला पैरामीटर तो होता है पाथ और दूसरा पैरामीटर होता है कंपोनेंट, ठीक है। तो कंपोनेंट तो है एक एक्सप्रेशन है और पाथ एक स्ट्रिंग है। तो यहां पर मैंने ये होम पाथ दे दिया और दूसरे के अंदर हम पाथ दे देंगे, PATH पाथ मैंने दिया है यहां पर अबाउट अस। और यहां पर कंपोनेंट एक एक्सप्रेशन है इसलिए मैं इसको ये यूज करूंगा। अगर कोई स्लैश हिट करेगा रिएक्ट के ऐप के यूआरएल पर, ब्राउजर पर कोई स्लैश हिट करेगा तो कौन सा कंपोनेंट इंजेक्ट करना है उस रूट डिव के अंदर, तो यहां पर मैं बोल दूंगा उसको कि कौन सा कंपोनेंट इंजेक्ट करना है, होम कंपोनेंट इंजेक्ट करना है। जब कोई रिएक्ट की ऐप पर स्लैश करके अबाउट अस लिखेगा तो कौन सा कंपोनेंट इंजेक्ट करना है, अबाउट अस कंपोनेंट इंजेक्ट करना है, ठीक है। और हमें अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पर हम एग्जैक्ट पैरामीटर हम देते हैं, अगर ये पैरामीटर नहीं दिया है तो वो लोड नहीं होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जो है होम कंपोनेंट में, अब देखिएगा कि यहाँ पर जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो ये होम कंपोनेंट आ रहा है, मगर होम कंपोनेंट में हेडर और फुटर मिसिंग है, तो थोड़ा सा हमारा लेआउट चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ होम कंपोनेंट के अंदर गया और होम कंपोनेंट के अंदर जो है आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप लेआउट यहाँ पर रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट की जगह आप किसको यूज करवा लें, लेआउट को यूज करवा लें। तो ये मैंने लेआउट किया और रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट को लेआउट की तरह यूज कर लिया, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश किया और आई थिंक हेडर भी आ गया, फुटर भी आ गया और ये कंटेंट में ये आ गया, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं अबाउट अस में भी ऐसे ही कर लेता हूँ कुछ। तो अबाउट अस के अंदर जो मेरा रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट है, पहले तो इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, ये मैंने फॉर्मेट किया। अब रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट को मैं क्या यूज कर लूँ, एज अ लेआउट यूज कर लूँ, एज अ लेआउट मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। तो यहाँ पर मैं नीचे गया और रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट को मैं क्या यूज कर लूँ, एज अ लेआउट यूज कर लूँ। सो अब आप देखिएगा
अब ये जो मेरी नेविगेशन है इस हेडर पे मुझे जाना पड़ेगा, तो यहां पर मैं हेडर पे गया और हेडर पे जाने के बाद ये देखिए ये नेविगेशन हमारे ये रहे, ये एंकर्स रहे। तो यहां पर स्पेशली हमें कुछ लिंक्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे। अगर यहां पर मैं एंकर्स पे गया और ये देखो ये होम पे क्लिक करने के बाद एचरेफ में अगर मैं ये करूं कि ये स्लैश इंडेक्स पे चले जाए, ये स्लैश अबाउट पे चले जाए, है ना, तो ये तो हो जाएगा पेज रीलोड। तो यहां पर आप देखना जैसे मैंने रिफ्रेश किया, अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो देखो पेज रीलोड हो जाएगा। ये पेज रीलोड होके आपका जो है अबाउट अबाउट अस, सॉरी यहाँ पर हमारा जो कंपोनेंट का नेम है अबाउट अस है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अबाउट अस दे रखा है ना। यहाँ पर जो है इसके हेडर के अंदर मैंने अबाउट अस दे दिया। यहाँ पर अबाउट अस दे दिया। जैसे ही मैं अबाउट अस करूंगा तो अबाउट अस पेज हो जाएगा। मगर प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि पेज रीलोड हो रहा है और यहाँ पर पेज रिएक्ट के अंदर सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर रीलोडिंग का कोई काम नहीं है पेज के कंपोनेंट लोड करवाने। तो इसके अंदर इस प्रॉब्लम को बचने के लिए, क्योंकि एंकर हम यूज नहीं कर सकते, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एंकर, अगर एंकर यूज किया तो वो तो रीलोड कर देगा। इसके लिए स्पेशली जो है आपके रिएक्ट राउटर डॉम में दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि आप नेविगेशन करने के लिए यूज कर सकते हैं, उसमें रीलोडिंग नहीं होता है। तो वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर मैं गए और यहाँ से मैंने इंपोर्ट करवा दिया रिएक्ट राउटर डॉम से। रिएक्ट राउटर डॉम से दो एलिमेंट आप यूज करना, एक तो है आपका पहला एलिमेंट आप नैव लिंक करके यूज करना और दूसरा आप लिंक करके आप इंपोर्ट करवा सकते। ये दो एक प्रकार से एलिमेंट्स हैं, एंकर की तरह ही है। तो ये नैव लिंक को एंकर की जगह आप क्या कन्वर्ट कर देना उसको, नैव लिंक, एंकर का स्टार्ट एंकर का क्लोज की जगह नैव लिंक का स्टार्ट नैव लिंक का क्लोज, नेव लिंक का स्टार्ट नेव लिंक का क्लोज। और जहां पर एच रेफ लिखा हुआ है वहां पर आपको सिर्फ क्या लिखना है, टू। ये सेव किया और अब आप अगर रिफ्रेश करें, मैं यहां से चलता हूं फर्स्ट पेज से चलते हैं, तो आप देखिए इंस्पेक्ट एलिमेंट, सारी ऐप जो रिएक्ट की ऐप कहां लोड होगी, रूट कंपोनेंट के अंदर। और यहां पर आप देखना जैसे ही मैं अबाउट अस पे क्लिक करूंगा तो पेज रिफ्रेश नहीं होगा और कंपोनेंट के अंदर ब्लिंक करेगा, ब्लिंक करेगा मतलब कंपोनेंट इंजेक्ट हो जाएंगे। ये देखो पेज रीलोड हुआ क्या, अच्छा इस पे क्लिक करने पर वापस से वो दिक्कत आ रही है। तो होम के अंदर इंडेक्स पर जा रहा है और इंडेक्स नहीं है बल्कि ये है स्लैश है। ये यहां से मैंने वापस से हटाया। अब आप देखिए यहां पर कि देखना अब मैंने एंकर यूज किए हैं कि नैव लिंक यूज किए हैं रिएक्ट राउटर डॉम के नैव लिंक्स। और नैव लिंक्स यूज करने का एडवांटेज ये है कि वो पेज को रिफ्रेश नहीं होने देता है। यहां पर देखना जैसे ही मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ रिफ्रेश नहीं होगा और कॉम्पोनेंट यहाँ पर इंजेक्ट होते हुए ब्लिंक करते हुए नजर आएंगे आपको। देखना देखना ये देखना ये रिलोड नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यही है रिएक्ट की खासियत कि रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाता है, वो सिर्फ सिंगल पेज के अंदर कंपोनेंट को राउटिंग की मदद से इंजेक्ट कर देता है बेसिकली। तो इसी तरीके से आपका जो है सक्सेसफुली मैंने असाइनमेंट टू का सॉल्यूशन दिया है। धन्यवाद। और ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियोस को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।